इसके अंडे का साइज बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं आप, काफी बड़ा अंडा दिया है। मैं सोच रहा था कि आपसे मेडिसिन शेयर कर लूं, जो मैं मेडिसिन देता हूं, तो मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी हुई है। ये एवियान का कैप्सूल है, ये 600 mg का है। जो भी आपके पास मुर्गा मुर्गी उसको देना है, सिंपली ऐसे उसका मुंह खोलना और इसमें वो कैप्सूल डाल देना। अच्छा, एवियान के साथ मैं इसको एक ये पूरा टेबलेट दे रहा हूँ एवियान का, और इसके साथ जो मैंने जैसा मैंने आपको बताया था विब्रामाइसिन, और इसको मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया है, दोनों दवाई भी दे दी है। और इसकी पोर्ट चेक कर लेना, पोर्ट में दाना है। सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या अपडेट है, तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम जो एग की कलेक्शन करते हैं वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब अपने अपनी डाइट खा चुके हैं, देख सकते हैं ये चीज है। और यहाँ पे भी मैंने इन चूजों को इनकी डाइट दे दी है, और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले इस मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह से, इसके अंडे का साइज बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं आप, काफी बड़ा अंडा दिया है। मगर अभी भी जो इसके एग का ओरिजिनल साइज है इसने वो नहीं दिया। इस अंडे को यहाँ रख देते हैं, यहाँ कोई अंडा नहीं। अच्छा, इसने अपना अंडा दिया था तो मैंने यहाँ रख दिया था उठा के। तो ये रहा इसका अंडा, ये इसका 10वां अंडा है ना, हाँ ये इसका 10वां अंडा है माशाल्लाह से। तो इसको भी मैं नंबरिंग करके इस बॉक्स में रख दूंगा। तो चले, आज मैं सोच रहा था कि आपसे मेडिसिन शेयर कर दूँ, जो मैं मेडिसिन देता हूँ, तो मेरे पास ये मेडिसिन पड़ी हुई है, तो ये मैं मेडिसिन आपको दिखा देता हूँ। जो मैं इस मुर्गी को मेडिसिन देता हूँ वो ये रही, अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हो तो जूम करके दिखाता हूँ। ये एवियान का कैप्सूल है, ये 600 mg का है। तो ये ऑलमोस्ट आपको 15 या 16 रुपए का मिल जाएगा आपकी फार्मेसी से। तो मैं जो इस मुर्गी को सिर्फ ये कैप्सूल देता हूँ, तो मैं इसको एक कैप्सूल देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए, मैंने इसको पूरा कैप्सूल खिला दिया जस्ट इजली। आपने अपने ये जो भी आपके पास मुर्गा मुर्गी उसको देना है, सिंपली ऐसे उसका मुंह खोलना और इसमें वो कैप्सूल डाल देना। तो मैंने इसको खिला दिया इसका कैप्सूल। अच्छा, जो मैं अपने शेरू की जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इसकी भी ट्रीटमेंट का टाइम हो गया, इसको 2 टाइम डोज देता हूँ। अच्छा, एवियान के साथ मैं इसको एक ये पूरा टेबलेट दे रहा हूँ एवियान का, और इसके साथ जो मैंने जैसा मैंने आपको बताया था विब्रामाइसिन, ये मैं विब्रामाइसिन एक टेबलेट इसको दे रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 60 रुपीज का आपको पत्ता पड़ जाएगा, तो ये इसमें से एक टैबलेट देंगे, पूरा पत्ता नहीं पिलाना, एक टैबलेट ये होगा। और इसके साथ फिर मैं इसको लगाऊंगा इंजेक्शन, तो इंजेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंजेक्शन नैरोबियान, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। ये इसको 1 cc इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद फिर इसको एक हम एवियान का कैप्सूल देंगे, और एक फिर हम इसको कैप्सूल देंगे विब्रामाइसिन का। तो चलें इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको दोनों कैप्सूल खिलाते हैं, उसके बाद फिर ये नैरोबियान का इंजेक्शन इसको देते हैं। तो चलें मैं इसको देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ इंजेक्शन आपको कहाँ लगाना। तो देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें रेडी हैं, ये मैंने इंजेक्शन भी भर लिया है, और ये 1 cc की सिरिंज है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये 1 cc की सिरिंज है। आपने एक पूरी लगानी है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा आपने कहाँ लगानी है। तो सबसे पहले इसको हम विब्रामाइसिन का कैप्सूल देते हैं, विब्रामाइसिन के कैप्सूल के बाद फिर एवियान के कैप्सूल खिलाते हैं, और इसके बाद फिर हम इसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो चलें सबसे पहले कैप्सूल बाहर निकालते हैं एवियान का, ये हमने कैप्सूल निकाल लिया, कैप्सूल अब इसको निकालने के बाद इसको कैप्सूल देते हैं। मैंने विब्रामाइसिन का भी कैप्सूल निकाल लिया और इसको देते हैं विब्रामाइसिन का भी कैप्सूल। तो सिंपली आपने कैप्सूल उठाना है और आपका मुर्गे ये थोड़ा सा जिद करते हैं, अगर ये खा लेते आराम से, ये आपने इसका मुंह खोलना है और इसमें ऐसे डाल देना, और थोड़ी देर मुंह बंद करके नीचे से यूँ पुश करेंगे आप, तो ये देखें खाली इसमें, ये खाली इसमें। अब बारी है इस इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन के लिए इसको आप उल्टा लिटा देंगे और
कोशिश करेंगे इसके सीने पे इंजेक्शन लगा, गोश वाली जगह पे। तो यहाँ इसके गोश है सीने पे, तो मैं इसके यहाँ इंजेक्शन लगाऊंगा और आपसे इंजेक्शन लगा के मिलता हूँ, क्योंकि दोनों हाथ से मुझे लगाना पड़ेगा, मैं दिखा नहीं सकता। चलो मैं इसके यहाँ इंजेक्शन लगाता हूँ भाई। इसको इंजेक्शन भी लग गया है और इसको मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया है, दोनों दवाई भी दे दी है। और इसकी पोर्ट चेक कर लेंगे, पोर्ट में दाना है तो थोड़ा सा मैं अपने हैंड स्पीड से तो थोड़ा सा और दाना देता हूँ। अच्छा, कोशिश करें आप इसको गर्म से गर्म डाइट दें, जितनी आप अपने परिंदे को गर्म से गर्म डाइट देंगे उतना जल्दी वो रिकवर होगा, ठीक है? तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, गर्म डाइट में आप इसको ग्रीन फूड लाजमी दें। तो ग्रीन फूड में आलू सन हो गया और पालक हो गई, तो ये सब चीज़ें अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा दें। और मैं इसको उसके साथ फीड भी दे रहा हूँ, 5 नंबर फीड, फीड भी गर्म होती है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इसके साथ इसको फीड दे दूँ। तो चले इसको मैं हैंड फीड कराता हूँ, और सोचा आपसे एक छोटी सी वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट का टाइम था। बाकी तो सब परिंदों का मसला देख सकते हैं, दाना पानी हो चुका है, सब अपना फीड अपनी खा चुके हैं, और शाम का टाइम है क्योंकि आप देख सकते हैं, तो ये अपनी फीड खा के बस सारे बर्ड अब कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा, तो अपने अपने बॉक्सेज में चले जाएंगे जो परिंदे। तो चले इसको मैं इसकी जो डाइट है वो खिलाता हूँ, और उसके बाद फिर आज कल की वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वेट के किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।